आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़िया रहेंगे। तो यार यहाँ पे जो हमारा नवंबर मंथ है वो आ चुका है और आप सभी के मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि क्या हमें नवंबर के अंदर यहाँ पे मिस्ट्री शॉप देखने को मिलेगी या फिर नहीं, और अगर देखने को मिलती है तो हमें कब तक देखने को मिल जाएगी। तो यार दोस्तों इस वीडियो में आपको नवंबर मिस्ट्री शॉप के बारे में काफ़ी सारे जो डिटेल है बताने वाला हूँ। साथ ही यहाँ पे जो हमारी नवंबर की मिस्ट्री शॉप है उसका फर्स्ट लुक भी निकल के आ चुका है, तो वो भी मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा। तो यार वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। साथ ही दोस्तों यार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो डिटेल है वो मिस्ट्री शॉप के बारे में है, और साथ ही यहाँ पे कुछ न्यू छोटे छोटे अपडेट भी आए हुए हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार अपडेट होने वाले हैं। तो यार चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए। तो दोस्तों हमारे बाहर के सर्वर में ये जो कॉम्बो ट्रिपल वाला इवेंट है वो दे दिया गया है, और हो सकता है कि आपको नवंबर मंथ में यहाँ पे इंडियन सर्वर के अंदर भी देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों हमारे इंडियन सर्वर में ये जो इवेंट है शायद अगस्त के महीने में आया था, तब से नहीं आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस इवेंट के बारे में आपको पता ही होगा कि आपको यहाँ पे एक रेयर आइटम सेलेक्ट करना होता है और उसके बदले में आपको दो आइटम यहाँ पे फ्री में मिल जाते हैं। तो दोस्तों नवंबर मंथ में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस जो हैं वो बन रहे हैं, क्योंकि अदर सर्वर के अंदर भी ये दे दिया गया है। तो यार हो सकता है कि आपको अगले हफ्ते जो वेब इवेंट हमारे गेम में आए वहाँ पर ये वाला जो इवेंट है वो देखने को मिल जाए, और इवेंट दोस्तों काफ़ी अच्छा रहता है यार, तो आप इवेंट को देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉप इवेंट निकल के आया हुआ है, जिसके अंदर ये जो टॉपअप में ये जो इमोट है 500 डायमंड के टॉप में दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये इमोट जो है वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इमोट काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये टॉपअप के अंदर दोस्तों अलग सर्वर में दे दिया गया है, तो हो सकता है कि आपको अगले टॉप में इवेंट के अंदर ये वाला जो इमोट है इंडियन सर्वर में भी देखने को मिल जाए। वैसे इसके आने के चांस दोस्तों थोड़ा कम है, क्योंकि इसके बदले मुझे लगता है कि जो रोकी पैट है यानी कि जो पंकिन पैट है वो अपने वहाँ टॉप में आएगा, और उसके बाद हो सकता है कि उस टॉप इवेंट के बाद ये वाला जो टॉप इवेंट है वो हमें देखने को मिल जाए। तो यार अभी हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले इवेंट के बारे में। तो दोस्तों अभी आपको पता होगा कि हमारे इंडियन सर्वर के अंदर जो मैजिक क्यूब स्टोर है वो अपडेट कर दिया गया है, और वहाँ पे बहुत सारे बंडल एक साथ जो है वो ऐड किए गए हैं। तो यार आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि हमें कौन सा जो बंडल लेना चाहिए। तो यार दोस्तों अगर आपके पास एक मैजिक क्यूब है तो फिर आप या तो जॉकर वाला जो बंडल है उसे ले सकते हैं, या फिर जो बंडल मैंने यहाँ पर लिया है अभी आप आगे देख लीजिएगा वाला बंडल भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो हमारा मैजिक क्यूब का टॉप गेमर बंडल है ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और साथ ही यहाँ पे एक और बंडल है कौन सा, सामुराई। तो ये जो चार बंडल काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगते हैं। बाकी यार दोस्तों मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपको कौन सा लेना चाहिए, वो तो आपको अपने हिसाब से ही देखना चाहिए कि आप किस टाइप के जो है वो गेम में पहनते हैं और किस टाइप से खेलने का ट्राई करते हैं, तो उसी टाइप से आपको लेना चाहिए। तो यार बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बंडल है काफ़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन अगर आपके पास दो या तीन बंडल हैं तो आप एक जोकर वाला बंडल ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि जोकर वाला बंडल काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। साथ ही एक जो बंडित वाला बंडल जो यहाँ पे हमने पहना हुआ है ब्लू कलर का, तो इसको भी आप ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये भी मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगता है। तो यार बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा पसंद है। तो अभी दोस्तों यार हम बात करते हैं हमारे अगले अपडेट यानी कि मिस्ट्री शॉप 11 पॉइंट कहें या फिर 12 पॉइंट कुछ भी हम बोल सकते हैं, लेकिन नवंबर मिस्ट्री शॉप हम इसे यहाँ पे बोलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जहाँ पर मिस्ट्री शॉप में आने वाले बंडल के बारे में कन्फर्मेशन बताई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैप्टन एंड मार्शल बंडल इन कमिंग मिस्टीरियस स्टोर। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब हमारे मिस्ट्री शॉप के अंदर बंडल कन्फर्म हो चुके हैं तो यहाँ पर मिस्ट्री शॉप भी आप कन्फर्म मान लीजिए, और दोस्तों यहाँ पे जो बंडल निकल के आया यानी कि जो कॉस्ट्यूम निकल के आ रही है मिस्ट्री शॉप के लिए, तो वो है दोस्तों हमारी कैप्टन और मार्शल बंडल, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी दिखा दी थी, लेकिन मुझे कल पता नहीं था कि ये मिस्ट्री शॉप के अंदर आएगी, लेकिन दोस्तों आज यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है कि आपको ये मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिलेगी। तो अभी दोस्तों यार आपको दिखाता हूँ कैप्टन और मार्शल बंडल कौन सा है। तो दोस्तों मिस्ट्री शॉप की कन्फर्म डेट और यहाँ पे जो फर्स्ट लुक निकल के आया हुआ था वो मैं आपको थोड़ा आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप यहाँ पे जो बंडल हैं जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में ही दिखाए थे, तो दोस्तों यहाँ पे मिस्ट्री शॉप के लिए कन्फर्म हो चुके हैं, जो कि आपको नवंबर मंथ में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इन बंडल का नाम है कैप्टन एंड मार्शल बंडल। तो बंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर उतने ठीक ठाक बंडल हैं, यानी कि ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। तो बंडल दोस्तों आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बाकी जो इसका मेल बंडल वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो अगर आपको दोस्तों अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि उतना ख़राब बंडल नहीं है। बाकी इसी टाइप का दोस्तों एक बंडल हमारे डायमंड रॉयल के अंदर भी अभी कुछ दिनों पहले ही आया हुआ था। तो यार बंडल आप देख लीजिए, यहाँ पे आलोक चचा में बंडल काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है और जम रहा है। तो यार अभी दोस्तों हम बात करते हैं मिस्ट्री शॉप की कन्फर्म डेट और यहाँ पर जो फोटो निकल के आई है उसके बारे में।
तो दोस्तों हमारे नवंबर मिस्ट्री शॉप की फर्स्ट फोटो जो है वो निकल के आ गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हमारा जो कैप्टन और जो मार्शल बंडल है वहाँ पे शो हो रहा है, साथ ही यहाँ पे हमें जो एलाइट पास है वो भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपको नवंबर मिस्ट्री शॉप के अंदर जो एलाइट पास है वो कन्फर्म देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब भी हमेशा मिस्ट्री शॉप आती है तो एलाइट पास मिस्ट्री शॉप के अंदर हमेशा रहता है। बस एक बार जो हमारा सितंबर का मिस्ट्री शॉप आया था, यानी कि जो मनी हिस्ट की मिस्ट्री शॉप आई थी, वहाँ पर कुछ गलती से या फिर कहें तो मनी हिस्ट के कारण वहाँ पर एलाइट पास नहीं दिया गया था। लेकिन हमेशा जो है मिस्ट्री शॉप के अंदर एलाइट पास आता है, तो आपको इस बार भी जो है वो एलाइट पास देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यार बंडल ये दोनों देखने को मिलेंगे। तो ये पहली फ़ोटो जो है वो निकल के आई हुई थी जो कि मैंने आपको दिखा दी है, तो ये अच्छी फ़ोटो यानी कि कन्फर्म जो है हम कह सकते हैं कन्फर्म फ़ोटो है। बाकी दोस्तों अभी हम बात करें कन्फर्म डेट की, तो यार अभी से कन्फर्म डेट जो है वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी आज तार हमारी है 4 नवंबर और जो मिस्ट्री शॉप आती है वो आती है हमारे 20 नवंबर के बाद। तो कन्फर्म डेट तो जब ऑफिशियल यहाँ पे क्लियर करेंगे तो उसके बाद ही हो पाएगी, लेकिन हाँ जो मिस्ट्री शॉप है दोस्तों आपको 20 नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगी, यानी कि 20 नवंबर से पहले किसी भी हालत में देखने को नहीं मिलेगी, 20 नवंबर के बाद आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे जो हमारा नवंबर का महीना है वो 30 नवंबर को ख़त्म होता है, तो 23 या 24 नवंबर के दिन या फिर 22 या 23 नवंबर के दिन जो है आपको मिस्ट्री शॉप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यार वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना।